अल्हम्द सना इलाही। इमरान अशरफ झंडी शोबा उर्दू से वाबस्ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लैया के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कालम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, सिंगिंग भी करते हैं। आदमी शऊर की मंजिल तय करता है, इन सिलसिलों से वो वाकिफ होता है कि वो क्या बेहतर कर सकता है। सर हमें यह बताएं, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? मास्टर मेरा बहुत दिन से किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, और उसके बाद एम फिल मेरा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और अभी पीएचडी का सिलसिला चल रहा है एनसीबी बहावलपुर से। सर अदबी वो तहकीकी दुनिया में किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सर अदबी और तहकीकी दुनिया मुश्किलात तो मेरे ख्याल में कोई भी आप अच्छा काम करते हैं मस्बत उसमें आपके रुकावटें होती हैं रास्ते में, लेकिन मेरे ख्याल में हिम्मत से और मुसलसल जिद्दोजहद से आप तमाम मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं। सर आप उर्दू के अफसाना निगार हैं, इसके साथ साथ आप गुलूकार भी हैं, इतनी चीज़ें कैसे लेके चल रहे हैं साथ साथ? जो आपका टैलेंट है, जो आपकी खुदादाद सलाहियतें हैं, ये खुद ही आपको आमादा करती हैं। आप इसकी इनके लिए कोशिश करते हैं, आप रास्ता बनाते हैं, और बाकी हमारी जो सोसाइटी है उसकी तरफ से भी काफ़ी आप कह लें कि इसके लिए कुछ हदूद हैं। अपनी फैमिली की तरफ से भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि शौक की हद तक ही था मेरे लिए ये म्यूज़िक का सिलसिला, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाइल हैं जो मुझे कदगन कह लीजिए अपनी फैमिली की तरफ से जो है वो उसका सामना रहा। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ इन चीज़ों को इतनी शायद वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी फ़नून लतीफ़ा के सिलसिले हैं ये खूबसूरत माशरत की तामीर में अपना एक जो है एक अहम किरदार अदा करते हैं, और ये सिलसिले एक तवाज़ुन के साथ होने चाहिए ताकि हम माशरे की खूबसूरती में अपना एक अहम किरदार अदा करें। सर सिंगिंग का शौक कैसे पैदा हुआ और कहाँ से पैदा हुआ? ये शौक मेरे ख्याल में जब आदमी शऊर की मंजिल तय करता है तो उसे आगही होती है इन सिलसिलों से, वो वाकिफ होता है कि वो क्या बेहतर कर सकता है। तो मुझे अपनी जो लोक मौसीकी है इससे ज़्यादा रगबत है, और हमारे जो फोक के बड़े नाम हैं मंसूर मलंगी मरहूम, अताउल्लाह सखेलवी, मैं इनसे ज़्यादा मुतासिर रहा हूँ, जबकि गज़ल में जगजीत सिंह को मैं पसंद करता हूँ। हमारे नाज़रीन को आज कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं आप? मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है, सूफियाना कलाम है जी, उसके चंद अशआर पेश करता हूँ। अल्हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चितारण वाला, किसे मैदान ना हर दा, रहमत दामी पा खुदाया, ते बाग सुखा कर हरिया, बूटा यास उम्मीद मेरीदा, कर दे मेवे भरिया। बहुत शुक्रिया सर। सर हमारे जो नौजवान हैं जो आपको नाज़रीन देख रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि ज़िंदगी में मसाइल मुख्तलिफ तरह की उलझने ये हर दौर में रही हैं, हर ज़माने में ये चीज़ें रही हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कामयाब लोग हमेशा हिम्मत से और अपनी मुसलसल कोशिश से अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं, और यही पैगाम है कि मेहनत करें और मेहनत से अपनी दुनिया एक अलग दुनिया आबाद करें, दुनिया को फतेह करें और भरपूर ज़िंदगी जिएं।